बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कई सेलिब्रिटी के अफेयर की खबरें वायरल होती रहती हैं। इनमें से कई स्टार का रिश्ता शादी तक पहुंच जाता है तो कई का बीच में ही अधूरा रह जाता है। अब जानकारी आ रही है कि टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी लगभग 6 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद अलग हो गए हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी के ब्रेकअप हो गया है। हालांकि दोनों के अलग अलग होने की वजह अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन लंबे वक्त से खबरें आ रही थी कि टाइगर और दिशा के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और अब दोनों ने रिलेशनशिप से बाहर निकलने का फैसला कर लिया है। साथ ही रिपोर्टर्स में दावा किया गया है कि टाइगर और दिशा के ब्रेकअप की खबर को टाइगर श्रॉफ के दोस्त ने कंफर्म किया है। अभिनेता के दोस्त ने आगे खुलासा किया कि टाइगर फिलहाल अपने काम पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन अभी ब्रेकअप की खबरों पर टाइगर और दिशा ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। आपको बता दें, ब्रेकअप की खबरों से पहले टाइगर श्रॉफ और दिशा को अक्सर साथ में घूमते देखा जाता था। बात अगर दिशा पाटनी के वर्क फ्रंट की करें तो वो जल्द ही मोहित सूरी के निर्देशन में बन रही फिल्म एक विलन रिटर्न में नजर आने वाली है। फिल्म में वो जॉन अब्राहम के साथ रोमांस करती हुई दिखाई देंगी। फिल्म में उनके अलावा तारा सुतारिया और अर्जुन कपूर भी मुख्य भूमिका में हैं। उनकी ये फिल्म 29 जुलाई 2022 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। वहीं बात अगर टाइगर श्रॉफ के वर्क फ्रंट की करें तो वो इस साल के अंत में रिलीज होने वाली फिल्म गणपत पार्ट 1 में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में वो अभिनेत्री कृति सेनन के साथ जबरदस्त एक्शन करते हुए दिखाई देंगे। फिल्म गणपत पार्ट 1 इस साल क्रिसमस के मौके पर सिनेमा घरों में रिलीज होगी। इसके बाद वो अक्षय कुमार के साथ बड़े मियां छोटे मियां की तैयारी शुरू करेंगे। इस फिल्म को निर्माता बड़े पैमाने पर बनाने का प्लान कर रहे हैं।